Hello everyone and welcome back to yet another hostel stay review and this one is a very special one because मैं आया हूँ मुंबई से गोकर्णा वो भी solo trip पे and I am staying at Zostel Gokarna. क्या जगह है भाई मतलब the view, the rooms, the location भाई मस्त है बहुत. ये व्लॉग पूरा डेडिकेट करने वाला हूँ मैं Zostel Gokarna के ऊपर. मैं आपको Zostel का टूर जरूर करवाऊंगा एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एम स्टेइंग हियर फॉर 3 डेज एंड मैं डॉर्म में रहने वाला हूँ प्लस प्राइवेट कॉटेज में भी रहने वाला हूँ. इट्स लाइक अ शॉर्ट कोलैब विद Zostel. लेट्स गो. मैं आपको Zostel का टूर देता हूँ. चलो देखो हमारे साथ भू भी है. भू देख रहा है बंदरों को. लंगूर्स माय फ्रेंड्स. ओके सो ये एंट्रेंस है एंड एंटर करने के बाद ही दिस इज द व्यू. सो पहले ही आता है प्राइवेट कॉटेजेस है ये. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. प्राइवेट कॉटेज का भी टूर मैं दे दूंगा आपको. आगे जाके फिर उनका रिसेप्शन है, कैफे है और डॉर्म रूम्स है एंड द व्यू फ्रॉम देयर इज जस्ट अमेजिंग. पूरा गोकर्णा का मेन बीच का व्यू है. बहुत सही प्लेस है. बहुत मस्त है. Is there parking? Check the mic and make sure it sound right, boys. Gau Mata bhi hai. This is the view from top. भाई क्या मस्त व्यू है. एंड ये इनका कॉमन रूम है एंड आगे इनके 6-bed mixed dorms है with sea view. इसके ही नीचे जस्ट सिर्फ 6-bed mixed dorms है. इधर तो विंडो है पूरा sea view दिख जाता है. सो दिस इज देयर प्राइवेट कॉटेज. टोटल उनके पास 7 कॉटेजेस है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द इनसाइड. आई एम गोना स्टे हियर फॉर टुडे एंड मैं आपको कॉटेज का टूर देता हूँ. एक देखो इसे बाहर बैठने के लिए मस्त 2 चेयर्स रखे हुए हैं. इवन दे हैव गॉट अ डोर एंड रूम के अंदर दिस इज द कॉटेज रूम. लाइक वाव जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. It's very beautiful. इसका प्राइसिंग एंड ऑल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा. इट्स 3500 एंड डिपेंड करता है सीजनैलिटी पे एंड अवेलेबिलिटी पे. थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करके आराम से रहने में इट्स वर्थ इट. लाइक अगर ऐसा रूम हो, इतना क्लीन हो, इतना साफ हो, इतनी एमिनिटीज हो तो व्हाई नॉट. मस्का मस्का एकदम चका. एंड एक प्राइवेट राउटर भी दिया है फॉर एवरी कॉटेज. Thank you.
Let me have some coffee. तो हेलो गाइज, दिस इज दी एंड ऑफ सॉस्टल टूर व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में बताना कैसे लगा ये व्लॉग। आई स्टेड हियर फॉर 3 डेज एंड मुझे तो बहुत सही लगा। स्टाफ 5 on 5, स्टे 5 on 5, क्लिनलीनेस 5 on 5, फूड 5 on 5, ट्रस्ट मी गाइज बहुत सही है, बहुत अच्छा था। मैं डॉम में भी रहा, मैं प्राइवेट कॉटेज में भी रहा, दोनों का वाइब सही था। द पीपल हियर हु विजिट आर वेरी कूल, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी ओपन टू ईच अदर। आपको हॉस्टल गो करना रहना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, मैं नीचे डाल रहा हूँ लिंक, तो प्लीज़ चेक दैट आउट। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर कपल जा रहे हो तो कॉटेज इज द बेस्ट रूम टू स्टे इन। बट अगर आपको कनेक्ट करना है दूसरे लोगों के साथ, सो आई वुड सजेस्ट यू स्टे इन डॉम्स, बिकॉज यू कैन टॉक टू देम, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसिस एंड मिलना जुलना बहुत होता है। ऊपर से हॉस्टल गोकर्णा है, सो मेनी फन एक्टिविटीज, दे अरेंज हाइक्स, दे अरेंज ट्रैक्स, फन एक्टिविटीज अरेंज करते हैं, जैसे कि ऊनो खेलना, पूल, फिर माफिया गेम खेलना एंड ऑल। ओवरऑल तुम लोग का बॉन्ड एक दूसरे के साथ और स्ट्रांग होता है, यू गेट टू नो पीपल। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे एंड डू कमेंट एंड टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, बी देसी, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टाटा।